पिछले 21 दिन से फरार राम रहीम की चहेती हनीप्रीत क्या किसी बंकर में जाकर छिप गई है? ऐसा 5 सितारा बंकर जिसके ठिकाने तक पहुंचने का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पर दावा है कि हनीप्रीत राजस्थान के किसी 5 सितारा बंकर में है, जहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। क्या है हनीप्रीत के 5 सितारा बंकर में छिपे होने की हकीकत, ये आपको बताएगा वायरल सच। कई राज्यों की पुलिस को अपने पीछे भगा रही हनीप्रीत क्या राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर के किसी कोने में छिपी हुई है? क्या हनीप्रीत ने किलों और पारंपरिक विरासत संभालने वाले राजस्थान के अलवर को अपना नया ठिकाना बना लिया है? या फिर शातिर चाले चलने में महारत रखने वाली हनीप्रीत राजस्थान के श्री गंगानगर की गलियों में कहीं घूम रही है? आप कहेंगे कि हनीप्रीत एक साथ इतनी जगहों पर कैसे हो सकती है? दरअसल अलग अलग जगहों का नाम इसलिए क्योंकि दावा है कि हनीप्रीत हर पल अपना ठिकाना बदल रही है। दावा है कि वह राजस्थान के अलग अलग शहरों में घूम रही है, कभी जयपुर में होती है तो कभी अलवर में, तो कभी बालाजी मंदिर के लिए मशहूर सालसर में। दावे के मुताबिक हनीप्रीत किसी 5 सितारा बंकर में छिपी हो सकती है। ये बंकर राजस्थान के किसी भी कोने में हो सकता है, लेकिन तेजी से बदलते हनीप्रीत के ठिकानों में नया नाम राजस्थान के उदयपुर का शामिल हुआ है। तो क्या झीलों के लिए मशहूर उदयपुर में ही हनीप्रीत ने अपना 5 सितारा बंकर बनाया है, जिसके दरवाजे तक कोई दस्तक नहीं दे पा रहा है? 1 सितंबर 2017 को हनीप्रीत के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ। हनीप्रीत पर देश द्रोह का आरोप है और अब उसके ठिकाने के तौर पर राजस्थान के 4 जगहों का नाम लिया जा रहा है। सच का पता लगाने के लिए हमने चारों ठिकानों की पड़ताल शुरू की। एबीपी न्यूज की 4 अलग अलग टीमें राजस्थान के जयपुर, अलवर, सालसर और उदयपुर में हनीप्रीत की तहकीकात में जुट गईं। सबसे पहले चलिए अलवर। चर्चा है कि राजस्थान के अलवर में हनीप्रीत की तलाश में लगी पुलिस सादी वर्दी में घूम रही है। किसी को शक न हो इसलिए पुलिस अब आम भीड़ का हिस्सा बन गई है, ताकि हनीप्रीत को पकड़ा जा सके। लेकिन एबीपी न्यूज को अलवर में हनीप्रीत के किसी ठिकाने का सुराग नहीं मिला। अलवर के बाद हम राजस्थान के बालाजी मंदिर के लिए मशहूर सालसर पहुँचे। हनीप्रीत के ठिकाने को लेकर सालसर का नाम भी इसलिए आया था क्योंकि सालसर से हनीप्रीत के ड्राइवर प्रदीप के गिरफ्तार होने की खबर आई थी। हम चुरू में एसपी दफ्तर पहुंचे और पुलिस से ये जानने की कोशिश की कि क्या हनीप्रीत का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि शक था कि अगर ड्राइवर गिरफ्तार होगा तो हनीप्रीत का सुराग मिल सकता है। लेकिन जिले के पुलिस कप्तान समेत कोई कैमरे पर इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन सालसर से हुई पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि हनीप्रीत का ड्राइवर प्रदीप यहाँ से गिरफ्तार नहीं हुआ है। जब यहाँ से गिरफ्तार नहीं हुआ तो हनीप्रीत का ड्राइवर प्रदीप कहाँ है, ये आपको बताएंगे हमारी तहकीकात में आगे। फिलहाल हम आपके साथ हनीप्रीत के ड्राइवर प्रदीप की एक फोटोग्राफ शेयर करना चाहते हैं जो हमें हमारी तहकीकात के दौरान मिली है। अलवर और सालसर से हनीप्रीत का कोई सुराग नहीं मिला तो हम हनीप्रीत का बिल्कुल नया ठिकाना बताए जा रहे उदयपुर के लिए निकल पड़े। दावा है कि हनीप्रीत राजस्थान के उदयपुर में किसी 5 सितारा होटल में छिपी हुई है, जिसकी बुकिंग हनीप्रीत के ड्राइवर प्रदीप के नाम से की गई है। हमारी टीम ने राजस्थान के उदयपुर में पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ 2 बेहद अहम सुराग मिले। पहला सुराग, 8 सेकंड के इस वीडियो में राम रहीम एक मॉल में दिखाई दे रहा है। ये उदयपुर का मॉल है। लाल रंग की टी शर्ट पहने और सिर पर टोपी लगाए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ
उदयपुर में हनीप्रीत को लेकर घूम रहा था राम रहीम। ये उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल की तस्वीरें हैं। उदयपुर के लोग राम रहीम की गाड़ियों का काफिला देखकर हैरान रह गए थे। सुनिए उदयपुर के लोगों ने क्या देखा था जब राम रहीम पिछले महीने हनीप्रीत के साथ उदयपुर गया था। तीन चार वीआईपी गाड़ी निकली थी तो मैंने देखा कोई नेता आया देखा या कोई राष्ट्रपति निकला देखा तो मैंने क्या जाने के बाद पूछा भाई कौन था वो तो राम रहीम था। सेलिब्रेशन मॉल में 3 अगस्त को मैं परिवार के साथ घूमने गया था तो वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट जिसमें हट्टा कट्टा दाढ़ी जिसके शरीर पर थी और वीआईपी ट्रीटमेंट और समस्त उस पूरा लवाजमा गाड़ियाँ वगैरह जिस तरह से थी कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी आया हो। और हमने जब उनका वीडियो बनाने की कोशिश की मैंने कहा कोई वीआईपी व्यक्ति है तो वीडियो जब बनाया तो उन्होंने मोबाइल से तुरंत उसको डिलीट करवा दिया। ये 1 से 3 अगस्त के बीच की तस्वीरें हैं जब राम रहीम अपने जन्मदिन से पहले जश्न मनाने के लिए उदयपुर गया था। राम रहीम ने यहाँ के एक 5 सितारा होटल में करीब 27 कमरे बुक किए थे। इन कमरों में राम रहीम के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। पड़ताल में मिला दूसरा सुराग। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर में राम रहीम और हनीप्रीत साथ दिखाई दे रहे हैं और साथ में ये बैठे हैं उदयपुर के महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़। ये तस्वीरें भी राम रहीम के उदयपुर दौरे की बताई जा रही हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ये पिछले महीने की तस्वीरें हैं या फिर किसी और वक्त की। ये दो सबूत इशारा कर रहे थे कि राम रहीम और हनीप्रीत का उदयपुर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है और हनीप्रीत उदयपुर में इसी नाते छिपी हुई हो सकती है। हमने पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि राम रहीम को सजा मिलने के बाद हरियाणा समेत केंद्र की कई जांच एजेंसी की टीम उदयपुर आई थी और राम रहीम और हनीप्रीत के उदयपुर दौरे की जानकारी ली थी। इसी वजह से हनीप्रीत के उदयपुर में रुकने की खबर फैली। इस पूरी पड़ताल के बीच हमने हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू से संपर्क किया और पूछा कि हनीप्रीत पकड़ी क्यों नहीं जा रही है और उसके ड्राइवर प्रदीप की गिरफ्तारी का सच क्या है। हनीप्रीत के ड्राइवर के बारे में भी चर्चा चल रही है कि राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई? ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो? ऐसा है कि इस बारे में सरसा के एसपी से बात हुई है, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात की है तो वहाँ पे कोई भी ऐसा ड्राइवर उन्होंने अभी नहीं गिरफ्तार किया, फिर भी उसकी पुष्टि की जा रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस के पास प्रदीप ड्राइवर की गिरफ्तारी का कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इस कारण क्या है कि हनीप्रीत क्यों नहीं गिरफ्तारी, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम कोई नहीं, वो उनका उनका लोकेशन बंद है, छुपे हुए हैं। कई बार जो अक्यूज है वो बिल्कुल ही ऐसी जगह पे जाके छुप जाते हैं जहाँ की पता नहीं चलता। इसलिए हमारी पड़ताल में हनीप्रीत के उदयपुर में 5 सितारा होटल में छुपे होने का वायरल दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।